हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अभी। स्वागत है आप सभी का अभी के व्लॉग्स में। तो आज हमारा लास्ट एग्जाम है और हम लोग जा रहे हैं अभी एग्जाम देने। हमारे साथ आयुष भाई। आयुष भाई, कैसा लग रहा है एग्जाम के पहले? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, टेंशन हो रही है। हाँ भाई, एग्जाम टाइम पे टेंशन तो होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं कॉलेज और एग्जाम देते, उसके बाद दिखते क्या माहौल बनता है। वाह यार, आज क्या मौसम है यार, कितना शानदार मौसम है भाई आज। आयुष, आज मौसम कैसा है? आज मौसम बड़ा बेईमान है क्योंकि आज आपका एग्जाम है। देख सकते तालाब भरा हुआ है यहाँ पर, स्विमिंग पूल। भाई तैरना है, देखो क्या तुझे तैरना है क्या? नहीं यार, मैं नहा के आया हूँ यार। तू नहा के नहीं आया ना? अरे भाई भाई भाई, शाम को काफी अच्छा पानी गिर गया था वरुण में, वो भी हम गीले हो गए थे, सब्जी लेने गए थे। थे बढ़िया, चले तो आज नहाया नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भागते पानी आ गया, बहुत तेज भागो, भागो जल्दी, चलो भाई पानी आ गया। आज एग्जाम टाइम बारिश क्यों हो रही है? बारिश टाइम पे एग्जाम हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग बैठते बस में और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग कॉलेज के रास्ते में हैं और पानी आ चुका है धीरे धीरे, और ये लोग आगे निकल चुके हैं। भाई कहाँ जा रहे हो यार? शॉर्टकट रास्ते चलेगा? चलते हैं शॉर्टकट से। जैसे बंद है वो, क्या करेगा? अरुण भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, एग्जाम से पहले शांत रहना चाहिए, एग्जाम के पहले शांत रहना चाहिए। चलो भाई मैं भी शांत रहता हूँ थोड़ा। ठीक है, सही बोला अरुण भाई ने। नहीं उसके बाद गिर रहा है, जल्दी चलो एग्जाम के बाद मिलते हैं हम लोग। पानी गिर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के अंदर और अभी एग्जाम डिपार्टमेंट में हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एग्जाम के लिए। एग्जाम देंगे मिलेगा डायरेक्ट, यहाँ से हमें आंसर लिख के सबमिट कर देंगे। वाओ, ये बोल काश काश ऐसा होता। एक घंटे का टाइम मिलता, तुझे तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तेरी इंग्लिश क्या है? क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? कब मिलेंगे न जाने हम यारों फिर। आप देख सकते हैं ये लोग बच्चे अभी एग्जाम देके आए हैं सब लोग, और मैंने भी एग्जाम दे दिया। यहाँ भवेश भाई है, भवेश भाई कैसा गया आपका एग्जाम? बढ़िया हो गए, बात खत्म। छुट्टी उट्टी कब से लग रही? छुट्टी का छुट्टी पूछना पड़ेगा भाई, कब से लग रहा है? पहले प्रैक्टिकल हो जाए, उसके बाद पता चला क्या हुआ। अच्छा अच्छा, तभी साला कुत्ते भी सिंपल क्वेश्चन का तो ले ही है। नहीं ये 5 बजे तक ही बैठेंगे, देखो 5 में 10 की दे रहे। हां तो नहीं अभी तक बात भाई, यार देखो 2 मिनट पे 5-10 मिनट पहले निकल चुके हम लोग, 5-10 मिनट पहले निकल चुके। देखो क्या शानदार नजारा है, माहौल तो बड़े है ही सही आसपास, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सही है, बाकी निकल नहीं रहा कोई बाहर में, कोई समझ नहीं आ रही है। इंतजार करते करते हमें 15 मिनट हो गए पहले। अरे भाई 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 भाई, इधर आओ इधर आओ। संदीप भैया, संदीप भैया, संदीप भैया इधर आओ। अरे सर नमस्कार, आपका पेपर कैसा रहा पहले ही बताइए। आज का पेपर बहुत ही आनंद में था, किंतु टाइम कुछ टाइम लिया, अच्छा टाइम तो लिया, 2 से 2.5 घंटे लिए, पर क्वेश्चन कुछ ऐसे थे। मैं तुझे पता है, मेरे आगे एक बंदा बैठा था, उसका रहा 1-1.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया। मैंने सोचा था लिखा क्या, पर उसने लिखा कुछ भी नहीं है, उसने काउंट कर लिए कि किस नंबर हो रहे हो गए, लड़का चले गए, इतना ईमानदार था वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, पासिंग मार्क्स आना चाहिए ना, पासिंग मार्क्स आना चाहिए, फालतू का लिखने से क्या मतलब भाई। अरे मैं एक बात बता दो, जिसमें 3 नंबर में अगर छोटी सी भी गलती कर दी ना, एक शब्द के आंसर थे तो 3 नंबर जाएंगे, क्योंकि तीनों में अनबायस कंसिस्टेंट। मेरी बात सुन, डेरिवेशन थे बड़े बड़े दो अंदर, ग्रामर राव बेटा डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कर दो, 11 का 1 11 का 1 22 नंबर, बात खत्म, कोई करने की जरूरत नहीं। आपको समझ में नहीं आ गया लोग क्या बात कर रहे हैं? और सबसे पहले भैया आपको बताइए कैसा क्या अनुभव रहा भाई? बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं आज हम लोग, ठीक है, और आवाज भी ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से
तबियत गड़बड़ गई है उसमें पेपर निकल रहा था तो अच्छा ये अच्छा ये नहीं अच्छा ये है कि ना एग्जाम के बाद भी ये प्रॉब्लम आई मतलब एग्जाम के बाद तबियत बिगड़ी उसके पहले कभी नहीं बिगड़ी लास्ट टाइम सुधर जाएगी तबियत यार क्यों भाई अब डोंट टेक टेंशन पेपर इज ओवर पेपर इज ओवर बस प्रैक्टिकल हो जाए फिर छुट्टी मिलेगी भाई प्रैक्टिकल का वेट कर रहे हैं हम लोग लोग बनाएंगे और बहुत मजे करेंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या चलो फिर चलते हैं बाकी कोई दिक्कत नहीं बढ़िया ओ एक और वो बंदा का अरे प्रूफ कर सुरेंद्र भाई निकल चुके हैं काफी टाइम पहले उनको पेपर में कम आता था और उन्होंने पढ़ाई भी कम की थी और वैसे पढ़ाई तो हमने भी कम की पढ़ाई तो मेरी भी कम आज क्या है बस अच्छा हमको सिखा रहा है बस इतना सा आपको यही बता सकते हैं हम पेपर का अनुभव कि भाई जितने जिसने जिस बंदे ने सॉलिड जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो आ रहे वो छप गए तो उसके किस्मत है भाई मैंने क्रेमर रो नहीं पढ़ा वो आ गया भाई मैंने काई स्क्वायर करा था मैंने पढ़ा नियम अब इसमें तो एक गलती है ना कट तीन नंबर गए आपके एम आई राइट तो ये आज के चलो सीधे चलते आप देख सकते हैं सब सारे बच्चे जा रहे हैं अभी यहाँ पर बालिका है बालक सब लोग जा रहे हैं यहाँ पर हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं कुछ बातें कर रहे हैं चर्चा पेपर के बारे में हाँ भाई लास्ट डे था एग्जाम का सब लोगों को फुर्सत हो चुके हैं एग्जाम से है ना सभी को टेंशन नहीं ये देख लो यहाँ देख सकते ये देखो इन लोग को जा रही है भाई किस तरीके से जा रही है एक के ऊपर एक हाथ रख के आप टेंशन फ्री हो चुके हैं बस घर जाएंगे और एक एक चीखे घर जा रही है अंदर से कि हमें घर कब जाएं घर जाएंगे सो जाएंगे बढ़िया और फ्री हो जाएंगे मतलब प्रैक्टिकल रहेगा प्रैक्टिकल में क्या यार एक दिन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल हो जाएंगे क्यों अच्छा रहा और बाकी कुछ नहीं अभी चलते हम लोग और आगे भी आयुष वेट कर रहा है भाई फोन गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अब कॉलेज से निकलने वाले हैं निकल चुके हैं और अभिषेक भी अब उनके घर जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ सो गाइस हम मिलते हैं आफ्टर या तो प्रैक्टिकल आएगा तब मिलेंगे या फिर और कभी मिलेंगे चल ठीक है ना बाय ठीक मिलेंगे फिर इधर से आएगा ना चलो भाई चलते हैं सो आयुष और अरुण अभी निकल चुके हैं आगे और मुझे छोड़ कर चले गए वो लोग क्योंकि मैं लेट हो गया था एग्जाम में और शूट करने हैं अभी बाकी वो लोग अरे भाई ये लोग यहाँ बैठे ये देखिए ये लोग यहाँ बैठे हुए इंतहा हो गई इंतजार की